विंध्य प्रदेश बनाए जाने की मांग एक बार फिर उठने लगी है। सिंगरौली में पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने अपने समर्थकों के साथ जन अस्मिता यात्रा निकाली और पृथक विंध्य प्रदेश की मांग की। सिंगरौली में जन अस्मिता यात्रा निकालकर पूर्व विधायक ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से विंध्य प्रदेश बनाए जाने की मांग की है। लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि छोटे छोटे राज्य बन जाने पर उस क्षेत्र का विकास होता है। उन्होंने इसके लिए तेलंगाना, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि सिंगरौली जिले से बहुत बड़ा राजस्व प्रदेश को मिल रहा है, लेकिन यहाँ बेरोजगारी चरम पर है। यहाँ के लोगों के निवासियों को 70% रोजगार चाहिए, जो नहीं मिल पा रहा है। लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा थी, रीवा सेंटर में है, इसलिए विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा को फिर से बनाया जाना चाहिए। ये हमारा विंध्य हमें लौटाओ, इस नारे के तहत हमारा लगातार जो ये दौरा चल रहा है COVID-19 के कारण, इसमें कुछ न कुछ कमी आई है, परंतु जिस तरह से लोगों में उत्साह, नौजवानों में उत्साह, व्यापारियों में उत्साह और जन जन में उत्साह देखने को मिल रहा है और सनय सनय जिस तरह से इसमें गति बढ़ रही है, निश्चित रूप से आज हम सिंगरौली में हैं। अये बैठन और सिंगरौली की धरती जो विंध्य प्रदेश के लिए वरदान साबित होगी और अकेले विंध्य प्रदेश के लिए राजस्व पूरा करने में महती भूमिका अदा करेगी, ऐसे स्थिति पर यहाँ के नौजवानों का, यहाँ के तमाम व्यापारियों का, यहाँ के तमाम रहवासियों का व्यापक समर्थन आप देख रहे हैं। जब से मैं आया हूँ तब से लोगों का लगातार तांता लगा हुआ है, लोगों में जुड़ने का एक भावना बन रही है और विंध्य में हमारे सारी सुविधाएं, सारा राजस्व, सब तरह के वन संपदा, खनिज संपदा, हमारे यहाँ हीरा जामरात, हमारे यहाँ 56 भोग बनने के तमाम जींस, सारी चीज होते हुए भी यहाँ का नौजवान अपने रोजी रोटी के लिए पूरे देश में भटक रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।